नमस्कार, आपको सीधा लिए चलते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहां इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एएमयू के 65वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेरा गृह राज्य है, स्वाभाविक है यहां से कुछ अधिक लगाव है, और जब लोग बुलाते हैं तब भी आता हूं, कभी कभी लोग हिचकिचाते हैं तब भी आता हूं। और मुझे याद है कि हमारे वाइस चांसलर साहब मुझे 2-3 बार मिले, उनकी भी इच्छा थी कि मैं आऊं, लेकिन मेरी भी इच्छा थी। मैंने जब स्वयं कहा कि आपके यहाँ तो इतने ही आपकी इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, व्हाई कांट यू इनवाइट मी, लेकिन वो भी इनविटेशन लेटर लाए हुए थे साथ में, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ हिचकिचाहट है। मैंने कहा कि आई हैव ए राइट टू विजिट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उस इसलिए कि आज जो जिन बच्चों की बात हो रही है, ये हमारे बेटे बेटियां जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके लिए सबसे प्रारंभ में हमने राष्ट्रीय गीत गाया, उसमें कहा गया है कि भारत भाग्य विधाता, और मुझे नहीं लगता कि भारत भाग्य विधाता कोई और हो सकता है। आज जो यहाँ पर उपस्थित है, इस देश का नौजवान, बेटा हो या बेटी, यही हमारे भाग्य विधाता है। ये देश के भाग्य विधाता है, अपने भी हैं, समाज के भी हैं। मुझे एक बात पर बहुत खुशी महसूस हुई, और जिसको कहते हैं खुश किस्मत, जब मैं कन्वोकेशन रोब, ये जो ड्रेस होती है, इसको मैं पहन रहा था, तो मुझे बताया गया कि ये रोब 60 साल पुराना है। सामान्यतया जो रोब होते हैं वो प्रत्येक कन्वोकेशन में, विजिटर हो, चांसलर हो, कोई भी हो, उसके लिए एक नया रोब बनता है और उसको वापस दे दिया जाता है। मैं सरप्राइज हूँ कि ये 60 ईयर्स तक इसको सहेज कर रखा गया। तो मैंने पूछा कि इसको क्यों सहेज कर रखा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक परंपरा, और इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए जब मुझे बताया गया कि इस देश के फर्स्ट गवर्नर जनरल ही वॉज राजगोपालाचारी, उन्होंने जब कन्वोकेशन एड्रेस यहां पर दिया था, तब ये रोब बनाया गया था। और इस कन्वोकेशन रोब के जो हमारे पूर्ववर्ती अर्थात माई प्रेडिसेसर्स, उनमें कौन कौन लोग, जब मैंने पूछा तो मैं केवल उन्हीं का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ज्ञानी जेल सिंह जी। इसके अलावा भी कलाम साहब आए, लेकिन कन्वोकेशन के कार्यक्रम में नहीं था, किसी दूसरे कार्यक्रम में इस विश्वविद्यालय में आए थे, एंड ही वॉज कन्फर्ड एन ऑनरेरी डिग्री आल्सो। अब इतने हमारे देश के जो प्रतिष्ठित और जिनको मैं कहता हूँ महानायक, उन्होंने इस रोब को पहना हो, तो मुझे लगता है कि आई फील रादर ऑनर्ड नॉट ओनली टू बियर दिस कन्वोकेशन रोब, बट ऑल्सो टू बी प्रेजेंट अमंगस्ट यू। अब इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, अगर मैं कहूं कि आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, तो शायद मुझे लगता है कि इसकी रेलिवेंस बन जाती है। आधुनिक भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अपने विद्यार्थियों के योगदान के लिए मशहूर इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
ये यूनिवर्सिटी देश के विकास में अपनी खास भूमिका निभाती रही है और सन 2020 में अपने 100 साल पूरे करने जा रही है। इस यूनिवर्सिटी की एक प्रभावशाली परंपरा रही है। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हमारी आजादी की लड़ाई जोरों पर थी, साथ ही हमारे देश में समाज और संस्कृति के सभी पहलुओं में आधुनिकता को बढ़ावा देने और निरर्थक परंपराओं से मुक्त होने का अभियान भी पूरे देश में चल रहा था। उस दौर में इंसान की बेहतरी और तरक्की के लिए तालीम की बुनियादी अहमियत पर जोर देने वाले महापुरुषों ने भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। उसी दौर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसने बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी का रूप लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। आधुनिक नजरिए के साथ ज्ञान विज्ञान की नई संभावनाओं की तलाश करने वाली पीढ़ियों का निर्माण करना इन संस्थानों का उद्देश्य था। साथ ही साथ इनकी स्थापना ऐसी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए की गई थी जो अपने मूल की साझा संस्कृति, विरासत और नैतिक तथा आध्यात्मिक परंपराओं पर गर्व का अनुभव करें। ये गौरतलब है कि एएमयू के लिए आर्थिक सहायता देने वालों में बनारस के महाराजा भी शामिल थे। ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों को किसी समुदाय से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति भवन में हम सब लोग उनका नाम जानते हैं, प्रिंस आगा खान, उनसे मेरी मुलाकात हुई। प्रिंस आगा खान अपनी उदारवादी और आधुनिक सोच के साथ साथ कई देशों में विकास की अनेक योजनाओं को सहायता प्रदान करते रहते हैं। मुझे बताया गया है कि प्रिंस आगा खां के जो पूर्वज थे उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया था। इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। वे एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों की सरकारों में प्रमुख पदों पर रहे। मैं पिछले साल अक्टूबर के महीने में इथोपिया, एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर एक सरकारी दौरे पर गया था। आप सरप्राइज करेंगे कि वहां के जो प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती रोमन टेस्फाय। उन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया, आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट सी हैपन टू बी ए स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमारी आज़ादी की लड़ाई में मौलाना हसरत बोहानी और राजा महेंद्र प्रताप की हिम्मत और जज्बे को बड़े ही सम्मान के साथ में आज भी याद किया जाता है। भारत रत्न से अलंकृत खान अब्दुल गफ्फार खान भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रह चुके डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद दादू दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई और रंग भेद के खिलाफ आंदोलन में पहली कतार के सेनानियों में थे। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और यहाँ वाइस चांसलर भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में एक सुखद संयोग मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा कि जब मैं बिहार का राज्यपाल बनने का मुझे मौका मिला तो मुझे विस्तृत रूप से जानकारी मिली कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भी बिहार के राज्यपाल पहले रह चुके हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि बाद में वो इस देश के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। इस तरह
वो बिहार राजभवन और राष्ट्रपति भवन में मेरे प्रेडिसेसर रहे। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साहित्य और कला तथा स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की एक बहुत ही लंबी कतार है। ऐसे विद्यार्थियों ने इस यूनिवर्सिटी के संस्थापकों की उम्मीदों को अंजाम दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया में इतनी शोहरत रही है कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने अपने शिष्य डॉक्टर रूडोल्फ सैमुअल की प्रशंसा करते हुए उन्हें यहाँ बतौर अध्यापक नियुक्त करने के लिए सुझाव दिया था। और आइंस्टाइन के सुझाव पर वे फिजिक्स डिपार्टमेंट में नियुक्त किए गए थे। उसी दौर में यूरोप के वैज्ञानिक डॉक्टर आर एफ हंटर ने भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ के छात्रों को पढ़ाया था। आपके पूर्ववर्ती छात्रों ने हमारे देश के लिए तरक्की की शानदार मिसालें पेश की हैं, जिन पर हमें फख्र है। उनसे प्रेरणा लेकर आप अपनी जिंदगी के मकसद तय कर सकते हैं और अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप सबकी है और मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसा करेंगे। कहा जाता है कि जब सर सैयद साहब से ये पूछा गया कि हमारा कारवां आगे कैसे बढ़ेगा, तो सर सैयद साहब ने जवाब दिया था कि हमारे एक हाथ में फलसफा और दूसरे हाथ में नेचुरल साइंसेज होंगे। ये ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण है। यह एक नए समाज को बनाने वाली सोच थी जो आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, प्रोफेसर ए सलाउद्दीन और डॉक्टर शाहिद जमील जैसे इस यूनिवर्सिटी के छात्रों और अध्यापकों ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जरिए समाज की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी में सफलता को समाज कल्याण के लिए उपयोग में लाने के लिए अनेक प्रेरक उदाहरण हैं। भारत रत्न से अलंकृत और मेरे पूर्ववर्ती अर्थात प्रेडिसेसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पब्लिक हेल्थ की बेहतरी में योगदान देने वाले यूसुफ के हमीद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा काम करने वाले अजीज प्रेम जी जैसे उदारवादी लोग उनमें शामिल हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन हर भारतवासी को एक प्रेरणा देता है। मुझे बहुत खुशी होती ये जान करके कि आज के नौजवान डॉक्टर कलाम को एक आदर्श के रूप में देखते हैं। डॉक्टर कलाम निहायत एक साधारण परिवार से थे। साधारण कलाम साहब की जब उनकी 8 साल की उम्र थी, ऐसा बताया गया कि उन्होंने न्यूज़पेपर हॉकर्स अर्थात सुबह जो अखबार बेचते हैं उसका काम की प्रारंभ किया था। और उसके पीछे एक कारण था, वो अपने परिवार की मदद भी करना चाहते थे और अपनी शिक्षा को आगे भी ले जाना चाहते थे। वो बहुत सवेरे अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर रामेश्वरम स्टेशन जाकर अखबार का बंडल लेते और उसे घर घर पहुंचाते। उसके बाद वे साइकिल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने जाते थे, अर्थात 15 किलोमीटर साइकिल से जाना और 15 किलोमीटर वापस आना और मॉर्निंग में अखबार बेचना। और उसके बावजूद इतनी कठिनाइयों से, इतनी विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए अगर इस देश का एक लाडला कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र की खूबी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलाम साहब बतौर मिसाइल मैन बहुत शोहरत हासिल की थी उन्होंने। डॉक्टर कलाम किसी भी विकसित देश में एक आरामदेह जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वे पूरी जिंदगी अपने देश में ही रहकर
समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए लगे रहे। ऐसे महापुरुषों की जिंदगी से सभी युवाओं को समाज और देश की भलाई के कामों में लग जाने की प्रेरणा मिलती है। यह सीख भी मिलती है कि अपनी तालीम और तरक्की के साथ साथ समाज के महरूम तबकों की बेहतरी के लिए भी कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। ये खुशी की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए काम किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ एक सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत की गई है, जिससे भारत सरकार और इंडस्ट्री के साथ संपर्क बनाकर उपयोगी टेक्नोलॉजी के विकास से जुड़ा अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों को यूनिवर्सिटी के अन्य विभागों में भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बदलती हुई जरूरतों और माहौल के अनुसार नॉलेज क्रिएशन हो सके। आधुनिकता के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रगतिशील सोच की भी जरूरत होती है, जिसके मुताबिक समाज का हर तबका बराबरी और भाईचारे के साथ आगे बढ़ता रहे। प्रिय विद्यार्थियों, इस्मत चुगताई और मुमताज जहान जैसी प्रगतिशील महिलाओं ने भारतीय समाज और इस यूनिवर्सिटी की शान में इजाफा किया है। मुझे बताया गया है कि अमरोहा इसी प्रदेश का एक शहर है। अमरोहा के एक गांव के एक साधारण परिवार की बेटी खुशबू मिर्जा ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इसरो के चंद्रयान मिशन में एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। खुशबू जैसी बेटियों ने 21वीं सदी की आधुनिक महिला की सही पहचान बनाई है और चिलमन से चांद तक के सफर को शानदार अंजाम दिया। मुझे बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी में लगभग 37% तादाद लड़कियों की है, लेकिन पदक विजेताओं में उनकी संख्या लड़कों से ज्यादा हुआ करती है, जिसके डिटेल्स हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने दिए हैं। नाउ दिस ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स द शेप विच द फ्यूचर इंडिया इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये बच्चियां जब आगे बढ़ती हैं तो न केवल पूरा समाज बढ़ता है बल्कि देश आगे बढ़ता है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि ओवरऑल एक्सलेंस के लिए दिए जाने वाला एक अवार्ड है इस यूनिवर्सिटी का, शंकर दयाल शर्मा मेडल, वो भी हमारी एक बेटी ने ही जीता है। ऐसी बेटियों की तरक्की में भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। इन बेटियों की आवाज बदलाव की आवाज है, जिसे क्लासरूम और यूनिवर्सिटी के बाहर भी पूरा तवज्जो मिलना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड द क्वेस्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी आर इंटरकनेक्टेड। दीज ट्विन गोल्स हैव बीन एट द सेंटर ऑफ द इंडियन एथोस एंड ऑफ अवर कंपोजिट सिविलाइजेशन। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू अवर डाइवर्सिटी विच इज अवर ग्रेट स्ट्रेंथ एज वेल एज अवर ओपन माइंडेड अप्रोच एज अ पीपल। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, शेयरिंग विद ईच अदर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग आर नॉट जस्ट स्लोगन्स इन अवर सोसाइटी, दे आर इंडियाज नेचुरल वे ऑफ लाइफ। दीज लेसन्स होल्ड ट्रू फॉर अस एज अ कंट्री, दे होल्ड ट्रू विद इन एंड बिटवीन रीजन्स ऑफ अवर कंट्री एंड दे होल्ड ट्रू विद इन एंड बिटवीन कम्युनिटीज ऑफ अवर कंट्री। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली renew this spirit. We live in an age of globalization, of building a world that does not just accommodate but celebrates diversity, and that combines the best of modern technology with the traditions and cultures of our society to build the India of our dreams. Such an India will help every Indian, every boy or girl, irrespective of background or identity, to realize his or her full potential, and such an India will be a beacon of hope for a restless world
इन द अर्ली 21st सेंचुरी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के दौर में इस यूनिवर्सिटी के आप सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद की जाती है कि आप सब केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे होनहार विद्यार्थियों में अपनी जगह बनाएंगे। आज का दौर गतिशीलता का दौर है। लोग तेजी के साथ खुले दिमाग से पूरी दुनिया से जुड़ते हुए एक ग्लोबल नॉलेज सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे गतिशील माहौल में यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों का दूसरी संस्थाओं में जाना और दूसरी संस्थाओं के लोगों का यहाँ आना क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ लर्निंग में मददगार हो सकता है। आज की तालीम में नित नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञान विज्ञान की इस तेज रफ्तार में पूरे जोश के साथ शिरकत करते हुए यह यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी की रिवायत और तरक्की पसंदी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास में अपना समुचित योगदान देते रहेंगे। मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देता हूं और पदक विजेताओं को शाबाशी देता हूं। मेरी यह शुभकामना है कि आप सभी प्रगति करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद।